सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जो पैट्रियार्च होता है वो उस लिटिल स्केलेटन के पावर को देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या ये ड्रैगन स्लेइंग है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही रेयर मूव है जो की ड्रैगन के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस इफेक्टिव टाइप है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं इस तरह के इस स्केलेटन स्पेसिस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। और ये कहते हुए मोल्टेन सूजा को आर्मर का यूज करता है एंड ये किसी तरह सुसानू जैसा है जो कि उस ड्रैगन को एक आर्मर बनाने में मदद करता है, जो कि देखते ही सुपिंग कह रहा होता है, ये ट्रांसफॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए अपने लिटिल स्केलेटन से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि उसका जो आर्मर सहित उसका ड्रैगन वो चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कह रहे होते हैं, नहीं सिर्फ एक ही शॉट में ये खत्म हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो अपने भाई से कह रहा होता है, ब्रदर्स क्या तुम ठीक हो? ज्योतियान और जोजी दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और वो अपने उनमें कह रहे होते हैं, दा तेरिकी, मैं बस ल्यू फैमिली की पीठ में चूरा भोंकने के लिए थोड़े से बदमाशों को लुभाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही आग में घुस गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर तौर पर सभी लोगों की मेमोरी एक दूसरे से लिंक है जो कि मैंने अपने स्टार पावर के जरिए रिलीज कर दिया था, और वीडियोस मेटेरियल वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने इसे कैसे पाया, आखिर ये सब ये कैसे कर सकता है? तब सुपिंग कह रहा होता है, मैं तुम लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभी भी अपने पैट्रियार्च को कवर करना चाहते हो? तभी वो जोश से भी लोगों से कह रहा होता है, इसे मेरे पर छोड़ दो, मैं इसे करूंगा, तुम अपने सारे के सारे आदमियों को लेते हुए ऊपर चले जाओ। और वो अपने उनमें कह रहा होता है, आखिर इसे मारने का तरीका क्या है? ये कोई ऐसा नहीं है जिसे चाकू के साथ मारा जा सकता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि ये एक गॉड किलिंग मशीन है, और वो की वो अभी भी हमारे पास है। जो के सेना के आधे लोग घायल हो चुके हैं, बहुत सारे एंसेस्ट्रल होम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 4 टाइटल लेवल के लोग वो इंजर्ड हो चुके हैं, लगभग सभी के सभी लोग हार चुके हैं, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, पैट्रियार्च को रिपोर्ट करे और वो सभी लोग जिन्हें आप चाहते हैं वो सभी यहाँ पे हैं। तो वो जो बंदे होते हैं जो गिरे हुए होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे एक मौका दो। और उन सभी को सुपिंग को सौंपते हुए जो कह रहा होता है, ये पापी एनिमल्स को ऑफेंड करने के लिए अपने ऊपर सारा का सारा इल्जाम ले लेते हैं, तो प्लीज आप इनको पनिश कर सकते हैं। जो कि देखते ही सुपिंग कह रहा होता है, पता करो कि क्या छूट रहा है। ये कहते ही वो उस लड़के को आगे करता है और वो लड़का उन तीनों को देखते हुए कह रहा होता है, मैं इन तीनों को नहीं जानता। जो कि देखते ही सुपिंग को शक होता है और वो अपने उनमें कह रहा होता है, क्या ये सभी ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं? जाहिर तौर पर ये सारे के सारे लोग सन क्यू के मेमोरी से अपीयर हुए हैं, कैसे तो नहीं है की इनकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की गयी हो और इनकी मेमोरीज को मिटा दी गयी हो। जो देखते हुए जोजी वो अपने उनमें कह रहा होता है, इस तरीके के मामले में मैंने कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स को लेवल बाय लेवल का टास्क असाइन करने के लिए भेजा है और मैंने उन सभी का मेमोरी मिटा दिया है, और ये देख के ऐसा लगता है कि इन सभी की यादें ये फिर से रिस्टोर नहीं की जा सकती। तो क्या ये लड़का हमारे जो फैमिली को फाइंड कर पाएगा? उसने जरूर ही सुन क्यू के कॉन्शियसनेस को सर्च किया होगा और शायद उसने उसके कुछ टुकड़े देखे होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये शक्तिशाली खजाने या तो बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे या फिर इनका यूज किए जाने का नंबर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट का होगा, तो तुम मुझे इनके जरिए ढूंढ नहीं सकते। हम देखते हैं कि सुपिंग वो हवा में उड़ते हुए कह रहा होता है, पैट्रियार्च जो यहाँ पे कुछ आइसबर्ग के टिप है, तो इसलिए मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। मैं ये आखिरी बार बोलता हूँ कि उन लोगों को तुम मुझे सौंप दो जिन्होंने इस चीज का पूरा प्लान बनाया था और इसे अंजाम दिया था, और अगर तुम मेरी रेपुटेशन का इंसल्ट करते हो तो तुम अपने चारों तरफ बस खून ही खून देखोगे, इसके अलावा बस तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, बस चारों तरफ लाशें ही लाशें होगी। ये सब देखते ही जो जी कह रहा होता है, क्या ये इतना श्योर कैसे हो सकता है? तभी जो कह रहा होता है, वेल अभी भी रास्ते में लोगों का ग्रुप है जो कि यहीं पर ही आ रहे हैं, तो प्लीज शांत हो जाओ। और ये कहते हैं वो अपने आदमी को बुलाता है और कुछ ही समय में वहाँ पे सभी लोगों के ग्रुप आ जाते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, मुझे प्लीज जाने दो, हमें मत मारो। और ये कहते हुए सभी भीख मांग रहे होते हैं और जो कह रहा होता है, ये सभी के सभी है जो कि ये सब करने के जिम्मेदार है, तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो यही सभी है। जो कि सुनते ही सुपिंग वो अपने उनमें कहता है, सभी के सभी लोग डरे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो अपराधी है उसके अलावा इन लोगों के बीच मरने के लायक कोई भी नहीं है, लेकिन इस बार मैं आ रहा हूँ सिस्टम के टास्क को कम्प्लीट करने के अलावा भी यहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल है जिसे मुझे पूरा करना है, एस्टैब्लिश अथॉरिटी। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए मुझे नरम दिल नहीं बनना चाहिए, मुझे ये करना ही चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने आप को बहुत बार पफ करता है। उसे देखते ही जोजी वो अपने उनमें कह रहा होता है, इतने लोगों को मारने के बाद इससे बाहर आने का टाइम आ गया है, आखिर में इस गॉड ऑफ किलिंग को दूर भेजने का समय आ गया है। सुपिंग वहाँ पे बहुत लोगों को मार देता है जिसकी वजह से उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सभी के सभी लोग मार दिए गए हैं, लेकिन कल्प्रिट अभी तक नहीं मिला है और अभी भी 20 घंटे लेफ्ट है। ये सब देखते ही सुपिंग अपने लिटिल स्केलेटन को ऑर्डर देता है जो कि हवा में उड़ते हुए पूरे के पूरे सिटी को तबाह कर रहा होता है। ये सब देखते ही ज्योतियान कहता है, इस मामले में सारे के सारे लोग तुम्हें सौंप दिए गए हैं, लेकिन फिर भी तुम इतने सारे एंसेस्ट्रल होम को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? इसकी तो कोई भी वजह नहीं है, तुम
ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सुपिंग कहता है, क्या मैंने कहा कि ये रीजन है? इसके अलावा तुमने इसका मास्टरमाइंड उसे मुझे नहीं सौंपा है, तो इसलिए मुझे एलिमिनेशन मेथड के साथ अपना टाइम लेना होगा। और ये कहते वो जो से कह रहा होता है, तो चलो शुरू करते हैं, पैटियाज को ढूंढते हैं। ये सब देखते ही जो काफी ज्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और वो अपने मन में कह रहा होता है, लानत है, अगर अभी हम अपने गार्डियंस को खो देते हैं तो मेरे जो फैमिली वो अपना एक हाथ खो देगा। एज अ रिजल्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते वो कह रहा होता है, जो कोई मेरे पास आओ। और ये जो कल्प्रिट है ये जो कोई होता है, और वो सामने आ जाता है, जो कि देखते ही सुपिंग कह रहा होता है, तो कल्प्रिट तुम ही हो, तो मुझे बताओ कि तुम और क्या कहना चाहते हो। ये सुनते ही जो जी जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, इतनी बड़ी दुनिया में तुम सिर्फ एक छोटे से शॉप के एक बंदे हो, जो कि हमारे पूरे क्लैन के लिए डेंजर बन गया है, जिसने हमारे पूरे क्लैन को सफाया कर दिया है। और ये कहते ही वो उस दूसरे लड़के से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ हार्ड वर्क किया, वो भी जो फैमिली के लिए, मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सारा का सारा परफेक्ट प्लान ये सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से सभी की जान गई है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए बहुत ही जोर से उस पर हिट करता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से वो लिटिल स्केलेटन आते हुए उसे मार डालता है। और स्विंग उस पर्गेटरी कैंडल ड्रैगन बीच से कह रहा होता है, इसे साफ कर दो, जो कि सुनते ही वो ड्रैगन उसे जला देता है और उसे वहीं पर मार डालता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने उनमें कह रहे होते हैं, ये तो काफी ज्यादा डरावना है। जुओतियान कहता है, मैं थोड़ा सा लकी हूं कि मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो शायद मैं भी मारा जाता। ये सब देखते ही जो वो अपने उनमें कह रहा होता है, इन द फ्यूचर पूरी की पूरी गली जहाँ पे ये रहता है उसे जो फैमिली के फॉरबिडन एरिया में लिस्टेड किया जाएगा, और कोई इससे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और सुपिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जो कल्प्रिट है वो मार दिया गया है, एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ कि ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा है। तो अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इसके जो चैप्टर है ये सप्ते में एक बार आते हैं, तो सप्ते में एक बार ही वीडियो आएगा। और उसके अलावा डीमन समनर तो तुम्हें रोज देखने को मिल ही रहा है, तो उसके मजे लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।